नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आज बहुत ही सुस्ती भरा रहा है। आपको बेशक इंडेक्स लेवल पे बैंक निफ्टी 550 पॉइंट्स टूटा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी को देखोगे तो कोई मूव नहीं आया। 20 पॉइंट के दायरे में पूरे दिन बाजार घूमता रहा पूरे दिन। आप ये इनिशियली मूव जरूर था, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर मार्केट ने 100 पॉइंट्स की रिकवरी दी और वहां से गिरावट भी हुई और लगभग 11:22 पे निफ्टी का लेवल था 19756 का। उसके बाद से जो हाई लगाया 19775 का लगाया और लो पे अभी ट्रेड कर रहा है 19740 पे, यानी कि 35 पॉइंट के दायरे में निफ्टी 11:22 से वहीं पे ट्रेड करता रहा 35-40 पॉइंट्स के दायरे में। लेकिन इस दायरे में मैंने आप सभी के साथ 15-20 पॉइंट जरूर निकाल के दिए पुट ऑप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल पे, होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। बट यहां से क्या करना है और ये जो बैंक निफ्टी में आज गिरावट आई है इसके पीछे का क्या रीजन है? केवल एक कारण है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में गिरावट है। देखिए, इस समय आपको बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रुझान देखने को मिलेगा। कोई बाय साइड पे वो कहेगा यार जितनी गिरावट होनी थी अब हो गई है वापस ऊपर, तो कोई कहेगा टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकडाउन आ रहा है बेच के चलो। इस समय मेरे हिसाब से देखिए, वैसे भी वीकेंड से पहले हम तो कोई ट्रेड लेके जाते नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो नो ट्रेड जोन, नो ट्रेडिंग एट ऑल। मंडे को बाजार जिधर भी जो भी होगा हम आगे खड़े हो जाएंगे, कर लेंगे, सिंपल। मार्केट को हम फॉलो करेंगे, हम अपने हिसाब से बाजार को नहीं चलाएंगे। तो कोई ट्रेड समझ में आ ही नहीं रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, वैसे भी वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी। अब ये बाजार गिरा क्यों आज इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट टूटा है, निफ्टी 24 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स 200 पॉइंट, तो पूरी की पूरी गिरावट बैंक निफ्टी से है। अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे ना, ये 24 पॉइंट जो नीचे आया है, ये पूरे के पूरे जो गिरावट है ये आई है बैंक निफ्टी के अंदर भी बैंकिंग शेयर्स की वजह से। आईसीआईसीआई 22.5 पॉइंट नीचे गद्दा खेल रहा है निफ्टी को। एक्सिस बैंक 21 पॉइंट नीचे धकेल रहा है निफ्टी को। एसबीआई 20 पॉइंट नीचे धकेल रहा है एंड बजाज फाइनेंस 9 पॉइंट। और यही टॉप 4 लूजर्स हैं आज निफ्टी के जो पुश कर रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ। मैं टॉप लूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की, जो गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, बजाज फाइनेंस। वहीं टॉप कंट्रीब्यूटर्स तेजी वाले कौन से? एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट, एमएनएम। लेकिन उसके बावजूद भी ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेटेज के मामले में निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज बैंकिंग स्टॉक्स का है। आज अगर निफ्टी को ऊपर जाना था तो आईटी स्टॉक्स का सपोर्ट चाहिए था क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वेटेज जो है वो आईटी स्टॉक्स का है, बट वो मिला नहीं और बैंकिंग स्टॉक्स नीचे जाने की वजह से आपके लिए करेक्शन निफ्टी में आते हुए दिख रही है और बैंक निफ्टी तो 0.25% टूट गया। अब ये सब हुआ क्यों है? ये हुआ है केवल एक फैसला जो आरबीआई ने कल शाम को किया है। आरबीआई ने कह दिया है कि रिस्क वेट बढ़ा दो भैया, आप जो पर्सनल लोन बांट रहे हो, आप जो अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हो, ये कभी भी एक कोलैप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए आरबीआई ने एक फैसला लिया है जो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और पूरे एनबीएफसी यानी कि वो सारी की सारी कंपनियां जो काम करती हैं लोगों को पैसा देने का और उससे पैसा बनाने का, उन सबके लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि पैसा देना अब महंगा पड़ जाएगा सारी बैंकों के लिए। दो तरीके से मार पड़ेगी, पहला कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा और दूसरी बार लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा जिसकी वजह से शायद अब इतनी जल्दी लोन भी ना बिके। तो ये दो चीजें, दो बड़े कारण है जिसकी वजह से आपको आज गिरावट आते हुए दिख रही है। अब सवाल उठता है कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत कर सकता है, जो भी चीज फाइनेंशियल से जुड़ी हो कंपनी की वो मेरे लिए बड़ी होती है। लाइक बजाज फाइनेंस में दो प्रोडक्ट का बैन करना मेरे लिए नेगेटिव था। बेटा बेशक स्टॉक का प्राइस दोबारा रीगेन कर गया हो, स्टॉक का प्राइस दोबारा ऊपर आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव ही लग रहा था क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आएगा उससे। एक क्वार्टर में बेशक ना है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। और यहां भी आरबीआई ने जो किया है वो इनके लिए नेगेटिव ही माना जाएगा मुझे लगता है। लेकिन ऑलरेडी गिरावट अच्छी खासी हो गई है, कोई भी बैंक उठा के देखो, एनबीएफसी उठा के देखो, 2% से ज्यादा ही टूट रहे हैं और 7% तक टूटे हैं। तो मेरे को लगता है रिएक्शन जितना आना था वो हो चुका है। अब मंडे से एक फ्रेश दिमाग के साथ आना है, फ्रेश डेटा बनेगा और फ्रेश ट्रेड बनेगा। अभी मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी करना चाहिए। एक दिमाग में थॉट जरूर कहीं ना कहीं ये भी घूमता है कि हम लोग हर मंथ की एक्सपायरी पे बड़ा टूटते हैं, तो वो भी एक दिमाग में थॉट आने लगेगा और इस तरीके से मूव दिखेगा तो नेगेटिविटी ज्यादा दिमाग में आएगी। वहीं अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स तो वो पॉजिटिव है। अभी भी डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो वहां से कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरे को लगता है मूड माहौल आपका ठीक रहना चाहिए। आज की गिरावट को केवल इंट्राडे वनडे वंडर समझ के भूल जाना चाहिए। वीकेंड के बाद आप एक फ्रेश माइंड के साथ आके फ्रेश बाजार को देखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में कि आरबीआई ने ये किया है इसकी वजह से और नेगेटिव हो सकता है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे दिख रहे हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, जो भी मंडे को दिखेगा बस वही हमारे लिए फैक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाता हूं मैं
कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पे, तो डिलीवरी उसमें ब्लॉक डील होनी थी जो कि हो चुकी है, 404 से 414 रुपए का भाव तय करा गया था और शेयर का प्राइस एट द एंड टूटता हुआ भी दिख रहा है। आज का जो सबसे बड़ा मेरे को परफॉर्मर दिख रहा है वो है AGS ट्रांजैक्ट, इसको 1200 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं जिसके बाद शेयर का प्राइस 15% तक भागता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये दो बड़े स्टॉक हैं जो आज बड़ी खबरों की वजह से मूव कर रहे हैं। बाकी मार्केट ब्रेथ देखें तो 1:1 है, ऑलमोस्ट 1050 शेयर्स पॉजिटिव है, 979 शेयर्स नेगेटिव है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।